जितने भी यहाँ इस्पात सेंटर चल रहे हैं, तो उसमें पूरे पहले भी हमने एक प्रोटोकॉल इशू किया था कि आपका सीसीटीवी लगेगा, एक रेस्टोरेंट मेंटेन करेंगे, सीसीटीवी डायरेक्शन किस तरह का होगा, जो कस्टमर आ रहे हैं उनका कैसे आप लोग डेटा या उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कोई नहीं कर रहा है, नंबर वन। दूसरा, जो भी वहाँ पर आपका थेरेपी वाले जो थेरेपिस्ट हैं, जो ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम या तो BMS की डॉक्टरी के पास उसका डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। और जब हमने शुरू में चेक किया तो किसी के पास नहीं था। अब लोगों ने फर्जी तौर पर जो है वो इधर उधर से वो एक ट्रेनिंग का सेट पे लगा करके रखे हुए हैं। इसका साफ साफ प्रोटोकॉल है, अगर कोई फीमेल है तो वो फीमेल का जो है आपका जो है इस्पा करेगा, मेल है मेल का करेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अनियमितताएँ हैं। हमने अनियमितों को पाते हुए आदेश दिया था परसों, जितने भी इस्पा सेंटर हैं जो अनियमित चल रहे हैं उसे बंद हो जाना चाहिए। थाना परिवार को कहा था, हमारा जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट है उनको भी मैंने कहा था। इसमें कल शाम तक लगभग 61 जो हैं हमारे इस तरह के अनियमित चल रहे इस्पात सेंटर बंद हो गए हैं। इसमें से 26 के खिलाफ हमने 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई किया है और 81 पुलिस एक्ट के तहत 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया है और बाकी के खिलाफ अभी हम कार्रवाई हमारा जारी है, उनकी जांच की जाएगी। इसमें भी बहुत सारे इसमें भी अनियमितताएँ होंगी और ये निश्चित तौर पर साफ है कि जो ये जिनके पास जो भी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा, जहाँ से सर्टिफिकेट लाया उस इंस्टीट्यूट का भी हम ऑथेंटिसिटी क्या है, इसका जो भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो ट्रेनिंग वाला जो इसका सर्टिफिकेट है उसको भी देखेंगे। और जिन्होंने प्राप्त किया, जिसके माध्यम से प्राप्त किया, जो इस पास सेंटर चला, इनके खिलाफ भी कार्रवाई, इनके खिलाफ भी फिर फॉर्जरी का मुकदमा दर्ज होगा।